हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस पार्ट टू। लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर ट्वेल्थ जितने भी सब्जेक्ट्स की हमें नॉलेज होती है हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो उसी सीरीज में हमने एमबीए का एक सब्जेक्ट लिया है, इकोनोमेट्रिक्स का मेन टॉपिक है ये, बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग पूरा सब्जेक्ट है हमारा। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो हम सेकंड यूनिट कर रहे हैं उसके अंदर अब हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है, और एस्टिमेटर और एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, गुड एस्टिमेटर किस तरीके से पता करा जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनेंशियल मॉडलिंग में क्या यूज है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस करेंगे, बायनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में दो मेथड बहुत यूज होते हैं, जिसमें पहला मेथड है आपके पास ओएलएस और दूसरा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड को भी आपके साथ समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ जी, अब हमारे पास इसके पार्ट टू में हमें ये जानना है कि रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब होता है। तो रैंडम वेरिएबल कोई नई टर्म नहीं है हमारे पास, रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो जनरली हम एक्स को इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिटीज में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो रिग्रेशन मॉडल्स हम लोग बनाएंगे उसमें जो रेजिडुअल्स आते हैं, रेजिडुअल क्या होते हैं, एरर्स होते हैं। हमने इक्वेशन भी देखी है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई, इसको हम यू से भी लिखते हैं, कई लोग सॉरी यू से भी लिखते हैं, ई से भी लिखते हैं, तो ये एरर होता है। तो जनरली इसको एनालाइज करने के लिए रिग्रेशन मॉडल में प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, और जहां प्रोबेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल होगा वहां रैंडम वेरिएबल तो ऑटोमेटिकली यूजेबल हो जाएगा। तो रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी को यहाँ पे स्टोकेस्टिक वेरिएबल बोला गया, ठीक है। रैंडम वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज स्टोकेस्टिक वेरिएबल। तो यहाँ पर रैंडम शब्द हटा के ज्यादा वर्ड आपको स्टोकेस्टिक यूज करा होगा। अब रैंडम का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया तो एक्स की वैल्यू हो सकती है हेड या टेल। अगर मैंने आपके पास ये बोला कि मैंने एक डाई थ्रो करी है तो उसकी एक्स की वैल्यू हो सकती है या तो वन आ सकता है या टू आ सकता है, थ्री आ सकता है या फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है। इसी तरीके से अगर मैंने कार्ड्स निकाली है तो उसमें आपके पास एक्स की वैल्यू 1 to 52 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो बेसिकली रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी वैल्यू जो है वेरिएबल कैरी कर सकता है। तो जनरली हम जो ये लेटर यूज करते हैं इसमें वेरिएबल एक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टोकेस्टिक वेरिएबल या रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल इन स्टैटिस्टिक्स जिसकी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, जो एक पर्टिकुलर फिनोमिना पे डिपेंड करती है, रैंडम फिनोमिना पे। जैसे हमने कॉइन टॉस करा तो हेड या टेल आएगा, डाई थ्रो करी तो 1 2 3 6 आएगा। अगर हमने दो डाई थ्रो करी उनका सम देखना है तो एक्स की वैल्यू सम पर फोकस हो जाएगी, तब एक्स की वैल्यू हो जाएगी या तो सम 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, लास्ट सम जो है वो 12 तक हो सकता है। दैट इज व्हाट रैंडम वेरिएबल ऑल अबाउट। अब रैंडम वेरिएबल को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया, मतलब प्रोबेबिलिटी पे जाने से पहले उसने आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्लियर करा, और प्रोबेबिलिटी का यूज क्या है वही सेम है स्टोकेस्टिक एरर को ढूंढने के लिए। अब रैंडम वेरिएबल के दो टाइप्स हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, एक होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल में एक्स अगर ऐसा है जिसकी वैल्यूज फाइनाइट है, जैसे मैंने अभी जो दो एग्जांपल दिए थे उसमें एक्स की वैल्यू फाइनाइट थी, डाइज या कार्ड या फिर आपके पास जैसे मैंने आपको कॉइन दिया, तो जैसे एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, लेट इट भी आपने दो डाई थ्रो करी और उनका सम नोट करना है, तो सम या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, टिल 12 तक हो सकता है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज है इन्हें आप काउंट कर सकते हो, इससे ऊपर वाले भी जो हमने हेड टेल वाला एग्जांपल दिया। तो जब आपके पास अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हु टेक्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है ना, जैसे डाइस के केस में या कार्ड के केस में, तो उसे डिस्क्रीट वेरिएबल बोला जाता है। यही आ जाता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होगा, जहां पर एक्स की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत सारी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करा और आप उसके रिटर्न के बारे में बात कर रहे हो, तो उसका रिटर्न 12% भी हो सकता है, 12.5% भी हो सकता है, 13% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है। ये जो वैल्यूज हैं ये फिक्स नहीं है, इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यूज, दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब आ जाता है व्हाट इज स्टोकेस्टिक एरर टर्म। तो स्टोकेस्टिक इज नथिंग बट रैंडम एरर। ऑब्वियसली बात होती है एरर रैंडम ही होती है, एरर कोई आपने फाइनाइट तो नहीं करी होती कि एरर ही होगी। तो स्टोकेस्टिक एरर टर्म इज अ फैक्टर जो बेसिकली वेरिएशन आ गया आपके पास, जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए होते हैं, एक्स आई लिया होता है, उसके बावजूद भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ वेरिएशंस जो आ जाती है जिनको आप रीजनिंग नहीं दे पाए, जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो ई की फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पर इस ई को ही स्टोकेस्टिक एरर बोला गया है, और इसकी स्टडी को हमने पढ़ना है सारा का सारा। तो आगे जो है ना वो एरर पे फोकस कर दिया, मतलब जो यूनिट 2 थी, अगर मैं इसको पूरा सीनियर वाइज देखूं, सीक्वेंस वाइज देखूं, तो यूनिट 2 ने सबसे पहले मुझे
तीन चीजें बताई कि मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चूज करना चाहिए, राइट। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि आपके पास जो स्पेसिफिकेशन टेस्ट होते हैं रेजिडुअल के, कि आप जो रेजिडुअल आए हैं उनको कैसे चेक करना है। इसके अलावा आपने रिग्रेशन मॉडल की कौन सी फॉर्म चूज करनी है वो भी आपने देख ली। अब ये फिर से बात करता है फिर से स्टोकेस्टिक एरर के बारे में, यानी रैंडम एरर के बारे में, क्योंकि ये जितने कम होंगे उतना अच्छा है, हमें इनको मिनिमाइज करना है, इन्हीं को मिनिमाइज करना है। और इनको मिनिमाइज करने के ही दो मेथड है, एक है ओएलएस मेथड और एक है आपके पास एमईली, दैट इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, इसी को मिनिमाइज करने के मेथड है। तो ओएलएस मेथड तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग यूनिट 3 में करेंगे, यहाँ पर एमईली मेथड को बहुत फोकस करा गया है इसको मिनिमाइज करने के लिए। और एमईली जो मेथड है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन जो मेथड है, वो प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है, यानी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली आगे जितना भी आप पढ़ोगे वो सारा का सारा प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए, ठीक है। तो सारा का सारा एमईली मेथड को समझाने के लिए है। तो हमें पहले ये समझना है कि हम समझ क्या रहे हैं, हमें एरर को मिनिमाइज करना है। और इस एरर को मिनिमाइज करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है ओएलएस मेथड, एक है एमईली मेथड। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो ओएलएस होता है वो छोटे सैंपल पे काम करता है, लेकिन अगर सैंपल बड़ा हो जाता है आपका तो आपको एमईली मेथड ही यूज करना पड़ता है। और सैंपल क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे पॉपुलेशन को एग्जामिन करके रिजल्ट निकाल सको, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर या फिर इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी बच्चों के मार्क्स का डेटा एस्टिमेट करो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए या 4 ईयर के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिल्ली ले लो, चलो देश तो बहुत बड़ा हो गया, दिल्ली के कॉलेजेस का अगर हमें कहा जाता है कि सभी कॉलेजेस का आप एस्टिमेट लगाओ, तो ऑब्वियसली बात है हम किसी एक कॉलेज में या 2-3 कॉलेज का एक सैंपल लेंगे, उसके बेसिस पर अपना रिग्रेशन मॉडल बनाएंगे और उस रिग्रेशन मॉडल की मदद से ये पैरामीटर निकालेंगे अल्फा बीटा और उसकी मदद से प्रेडिक्शन करेंगे, है ना। सैंपल लेना बहुत जरूरी होता है। तो जब आपका ये सैंपल छोटा होता है तो ओएलएस मेथड काम आ जाएगा, लेकिन जब आपका ये सैंपल थोड़ा बड़ा होता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आपको कई चीजें नहीं पता होती तो एमईली मेथड यूज होता है। उसी मेथड को एक्सप्लेन करना ही स्टोकेस्टिक प्रोसेस है बेसिकली आपके, ठीक है ना। तो एमईली मेथड पे ही हम जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जाएंगे। तो सबसे पहले है स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या है। तो पहले तो मैं ये जान लिया स्टोकेस्टिक टर्म का मतलब क्या है, उस एरर को स्टोकेस्टिक टर्म बोला गया है। अब आ जाता है हमारे पास ये स्टोकेस्टिक एरर होती क्या, स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस है इस एरर को जानना, मतलब अगर आपके पास रेंडम वेरिएबल हो इन अ रो, रेंडम वेरिएबल मतलब एक्स की वैल्यूज हो इन अ रो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये जो वैल्यूज होती है एक्स की, उसे हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल या स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ठीक है। बेसिकली इस प्रोसेस का काम क्या है, इस प्रोसेस का काम है प्रिडिक्ट करना, इस प्रोसेस का काम है प्रिडिक्ट करना वैल्यूज को, यानी वही एस्टीमेट्स लगाना, है ना, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कहाँ लगती है, जहां पर आपको इवेंट की श्योरिटी नहीं होती, आप एक डाई थ्रो करोगे आपको नहीं पता कि क्या आने वाला है ना, तो वहां पर आपके पास प्रोबेबिलिटी लगती है और प्रिडिक्शन करना भी प्रोबेबिलिटी ही है। तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है जिसकी मदद से आप प्रिडिक्शन करोगे, है ना, और प्रोबेबिलिटीज का इस्तेमाल करोगे। और प्रिडिक्शन बिल्कुल वही है, 2025 से 2028 की सेल्स बता दूं, या 2025 से 2028 में बच्चों के मार्क्स क्या आएंगे, ठीक है, उसी को प्रिडिक्ट करना है आपने। या फिर आपके पास पुराना कोई डेटा गिवन है कि आपके जो डेटर्स हैं उनसे आपको पैसे की कलेक्शन कैसे हुई है अब तक, या कितना बैड डेट हुआ है, उसके बेस पे आप नेक्स्ट ईयर के लिए अंदाजा लगा रहे हो कि अब कितने बैड डेट हो सकते हैं या डेटर कलेक्शन कितने टाइम में होगी, उसे बोलते हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस। वैसे इसका एक जनरल एग्जांपल क्या होता है स्टोकेस्टिक प्रोसेस का, जैसे बैक्टीरिया जन्म लेती है, उसको कोई श्योर नहीं होता, एक बैक्टीरिया ने 2 बैक्टीरिया जन्म दिए, 2 ने हो सकता है 4 आगे जन्म दियो, तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस बड़ा अननोन सा होता है, ठीक है ना। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया स्टोकेस्टिक प्रोसेस को समझाने के लिए, मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको कॉइन को तब तक टॉस करना है जब तक आपके पास 2 हेड नहीं आ जाते। आपने कॉइन को तब तक टॉस करना है जब तक आपके पास 2 हेड नहीं आ जाते, ठीक है ना। अब यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है या तो आपके पास 0 हेड आएगा, या आपके पास 1 हेड आएगा, या आपके पास 2 हेड आएंगे, तब तक ही आपको टॉस करना है, इसके आगे तो आपको जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर xn क्या है, ये जो वैल्यू ले सकता है, यहाँ पर n हो गया 3 है इसकी, लेकिन ऐसे अगर कोई भी और एग्जाम्पल होगा, कोई और एक्सपेरिमेंट होगा, तो इसकी वैल्यूज और डिफरेंट हो सकती है। जैसे अगर मैंने 2 डाइस थ्रो करी उसमें सम, तो सम या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो यहाँ पर एक्स एन शो कर रखा है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक चीज को प्रिडिक्ट करना, प्रोबेबिलिस्टिक के थ्रू आपको जो चीजें निकालते हो उसे स्टोकेस्टिक प्रोसेस बोला हुआ।
तो बेसिकली रेंडम वेरिएबल इन अ रो, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, हमें नहीं पता अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो दो हेड आने से पहले क्या क्या हो सकता है। हो सकता है आपका एक भी हेड ना आए, हो सकता है एक हेड आए, दो हेड आए। इसे ही यहाँ पर स्टोकेस्टिक प्रोसेस बोला हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करी जाए तो ये प्रोसेस बेसिकली प्रिडिक्शन के काम आता है, प्रोबेबिलिस्टिक रूल का इस्तेमाल करके। प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ेगा, पैरामीटर नहीं पता होते, बहुत हद तक आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी लगानी है। मतलब आपको सेल फोरकास्ट करनी है आगे के लिए, लेकिन आपका बिजनेस नया स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो आपके पास कोई बहुत ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, आपको सिर्फ प्रिडिक्शन करनी है प्योरली, और आपको एक्यूरेसी भी चाहिए रिजल्ट में, तो आपको रिजल्ट में एक्यूरेसी भी चाहिए और आपको प्रिडिक्शन भी करनी है, तो वहां पर ये प्रोसेस आपकी बहुत मदद करता है, ठीक है। जैसे एक नया बिजनेस खुला, उसको सेल फोरकास्ट करनी है, तो उसके पास पुराना डेटा तो बहुत कम ही होगा, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि हमें शेयर मार्केट में कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, और अब हमें ये जानना है कि उस कंपनी के स्टॉक पे क्या रिटर्न आ सकती है। तो आप देखो जो रिटर्न होते हैं ना, वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। पुराना डेटा होगा आपके पास कि पिछले साल कितना रिटर्न आया था, पिछले महीने कितना रिटर्न आया था, बट फिर भी प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, और हमें एक्यूरेसी भी चाहिए, हमें फोकस्ड करना भी है क्योंकि हम स्टॉक ब्रोकर हैं या हमें इन्वेस्ट करना है। तो वहां पर स्टोकेस्टिक प्रोसेस इस्तेमाल करा जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करा जाता है, उसी चीज को यहाँ पे स्टोकेस्टिक प्रोसेस बोला हुआ है। अब हमारा है कि एस्टिमेटर किसे कहते हैं और एस्टिमेट्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो एस्टिमेट्स का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, एस्टिमेटर जिसे आपने रियल में कैलकुलेट करना है, सॉरी, ठीक है ना, और एस्टिमेटर है एक तरीके से जिसके बिहाव पर आप एस्टिमेट्स लगाओगे। एग्जाम्पल समझते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमें असलियत में जो एस्टिमेट लगाना है वो पॉपुलेशन का लगाना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिखी है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। मान लेती है कि हमें अपने क्या कहते हैं, जितने भी दिल्ली के अंदर कॉलेजेस हैं उनके मार्क्स बताने, एस्टिमेट्स लगाना है बच्चों का, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिग्रेशन इक्वेशन आपने बना ली है, ये रियल में पॉपुलेशन है जिसका आपने एस्टिमेट्स लगाना है, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी बच्चों के मार्क्स लेकर आए और उसके बेस पे प्रेडिक्शन करें। तो आप एक सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बनाओगे, यानी कुछ अलग अलग कॉलेजेस से कुछ बच्चों के मार्क्स लोगे, सैंपल लोगे बेसिकली, है ना, पूरी पॉपुलेशन को आप नहीं कर सकते। या फिर अगर आपने सेल्स का फोकस लगाना है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपने 50 सालों की सेल उठा लो, है ना, तो आपके लिए पॉसिबल यही होगा कि आप सैंपल उठाओगे कुछ सालों का। तो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन हमने क्रिएट करा और उसको हम डिनोट करते हैं, ये वाई आई मतलब है रियल, जिसके बारे में आपने एस्टिमेट करना है, रियल सेल क्या होगी आपकी, अल्फा बीटा एक्स आई यहाँ पे रियल पैरामीटर्स है। अब आपने एक सैंपल चूज करा, सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन जिसको हम दिखा रहे हैं वाई कैप से इज इक्वल टू अल्फा कैप और बीटा कैप, एक्स आई पे कोई कैप नहीं है क्योंकि ये सेम रहेगा, क्योंकि ये पास्ट में भी सेम था और प्रेजेंट में भी सेम रहेगा, इसलिए इस पे कोई कैप नहीं है, लेकिन ये आपने सैंपल लिया है, ये भी आपने सैंपल लिया है और ये भी आपका सैंपल है। तो ये सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन हम रियल में बनाते हैं मॉडल में, और सैंपल के बेस पर ही जो अल्फा बीटा कैलकुलेट होते हैं उसे हम पॉपुलेशन वाली इक्वेशन में पुट करके ही रियल एस्टिमेट्स निकाल लेते हैं। यानी सैंपल के बेस पर हमें जो डेटा मिला, सैंपल के बेस पर हमें मिला, एक एग्जाम्पल के तौर पर कंजम्पशन फंक्शन में फिर से आ जाते, अगर हमें यह जानना है कि यार हमारे इंडिया के अंदर कंजम्पशन का पैटर्न कैसा है, तो मान लेते हैं कि ये रियल कंजम्पशन फंक्शन है पूरे पॉपुलेशन का, पूरे इंडिया का, लेकिन अब हम पूरे इंडिया का कंजम्पशन फंक्शन नहीं निकाल सकते, तो हमने यहां पर क्या कर लिया, आपके पास यहां पर इसको हमने एक पॉपुलेशन में ले लिया, ठीक है ना, कोई सैंपल लिया, किसी दो चार एरिया का सैंपल लिया और उसके बेसिस पे कंजम्पशन फंक्शन से हमने ये और बी नॉट निकाल लिया, बी बार बी निकाली एमएनसी, और उसे यहाँ पर पुट करके हम एस्टिमेट लगाएंगे कि हमारे देश की पॉपुलेशन का कंजम्पशन फंक्शन कैसा रहेगा। और रियलिटी में भी यही होता है, जो हम कंजम्पशन फंक्शन इको में देखते हैं, क्या वो आपने हर बंदे का कंजम्पशन पैटर्न देखा था, नहीं, आपने एक सैंपल लिया था और उस सैंपल के बेस पर आपने बता दिया कि ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 है और बी जो है वो 0.7 है। बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी, यानी लोग हर बार जो 100 रुपए उसमें 70% कंजम्पशन पे खर्च कर लेते हैं। तो आपने बेसिकली यहाँ पे एक सैंपल लिया होगा और सैंपल के बेस पर ही आप पूरे पॉपुलेशन को लेकर एस्टिमेट्स लगाते हो, राइट। सिमिलरली फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी यही होता है। इसने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक क्रेडिट मैनेजर, उसको अगर ये जानना है कि मेरे प्रस्पेक्टिव कस्टमर की क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है, मतलब मेरे जो डेटर्स हैं वो मेरी टाइम पे पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे ये जानना है, दैट इज व्हाट पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। इसके लिए मैं क्या करूंगी,
अपने पुराने डेटर्स का एक सैंपल उठाऊंगी, कुछ डेटर्स का सैंपल उठाऊंगी, उनकी हैबिट देखूंगी कि वो मेरे साथ किस तरीके से डील करते हैं, मेरी पेमेंट कितनी आ जाती है, कितनी बैड डेट हो जाती है, उनको लूंगी। उससे मेरा बनेगा सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, और उस बेसिस पर ही मैं आइडिया लगाऊंगी, प्रडिक्शन करूंगी कि फ्यूचर में मेरे जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं वो मुझे टाइमली पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे, मेरा कितना बैड डेट होगा। तो बेसिकली आपके पास जनरली हम क्या करते हैं, हमें एस्टिमेट्स जो करना है वो पॉपुलेशन का करना है, यानी यूनिवर्स का करना है पूरा, लेकिन हम एस्टिमेटर किसकी मदद से, सैंपल की मदद से पहले उससे रिलेटेड पैरामीटर्स निकालते हैं, अल्फा बीटा जो भी चीजें हैं, और फिर हम उसे पॉपुलेशन यानी यूनिवर्स वाली इक्वेशन में डालते हैं और उसकी मदद से रिजल्ट निकालते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर मैंने आपके सामने ये जो इक्वेशन लिखी है, ये जो इक्वेशन मैंने आपको पॉपुलेशन रिग्रेशन में लिखी है और सैंपल रिग्रेशन में लिखी है, मैं इसे एक बार दोबारा बता रही हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या आपके पास सैंपल रिग्रेशन है और क्या आपके पास, देखो पॉपुलेशन वाली मैंने जो लिखी थी वो लिखी थी बाय आई अल्फा बीटा, तो यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है आपके लिए, ये देखिए ये जो अल्फा और बीटा है ये है आपके एस्टिमेट्स जिन्हें आपने निकालना है रियल, ठीक है, अल्फा और बीटा जिन्हें आपने रियल में निकालना है वो है पॉपुलेशन, वो आपने एस्टिमेट करना है, और उसको निकालने के लिए आप रियल में क्या लोगे, सैंपल अल्फा कैप और बीटा कैप, ये लोगे आप सैंपल वाला, ठीक है। तो एस्टिमेटर्स हो गए ये दोनों और ये हो गया आपके पास एस्टिमेट्स, ठीक है। ऐसे ही हम जब मीन निकालेंगे, तो अब एक एग्जांपल के तौर पे मुझे पूरे स्कूल की पॉकेट मनी जज करनी है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं हर बच्चे का जो है पॉकेट मनी पूछ कर आ सकूं। तो जब मुझे पूरे स्कूल का एक एवरेज जानना है तो वो होता है म्यू बार, म्यू सॉरी, मुझे जानना है कि एक जो स्कूल का बच्चा है हर बच्चा कितना ऑन एन एवरेज जो है पॉकेट मनी लेता है, वो हो गया पॉपुलेशन मीन। लेकिन मैं ये पूरा कैलकुलेट कैसे करूंगी, सैंपल मीन लूंगी, कुछ क्लास के बच्चे लूंगी और मीन सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है ना। उसके बेसिस पर मैं सैंपल के बेस पर जजमेंट निकालूंगी, मान लो सैंपल आ जाता है कि मेरे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पॉकेट मनी 300 रुपए है, ठीक है। अब एस्टिमेट एक पॉइंट भी हो सकता है, एस्टिमेट एक इंटरवल भी हो सकता है, तो एस्टिमेट एक पॉइंट होगा तो 300 रुपए आ जाएगा, और एस्टिमेट एक इंटरवल होगा, एस्टिमेटर सॉरी, तो ये हो जाएगा 300 से 500, ये एस्टिमेटर्स है। सैंपल जो आपने लिया उससे जो रिजल्ट निकाला वो एस्टिमेटर है, और उससे आप पूरे पॉपुलेशन के लिए जो रिजल्ट निकालोगे उसे हम बोलते हैं एस्टिमेट्स। अब आगे हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट, वो भी मैंने आपको बता दिया। पॉइंट एस्टिमेट का मतलब क्या हुआ, आप मीन मान लोगे 300 रुपीज जो है पॉकेट मनी है, और अगर आप यही चीज इंटरवल एस्टिमेट ले लोगे तो क्या मान लोगे, 300 से 350 के बीच में जो है वो आपके पास पॉकेट मनी है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप एक पॉइंट एस्टिमेट करोगे, सिंगल नंबर एस्टिमेट करोगे तो पॉइंट एस्टिमेट हो गया, और अगर आप इंटरवल एस्टिमेट करोगे तो वो इंटरवल एस्टिमेट कहलाएगा। अब वो कह रहा है कि जो आप एस्टिमेटर लेते हो, याद है एस्टिमेटर कौन है, एस्टिमेटर्स हैं जो सैंपल में ले रहे हो आप, है ना, क्योंकि अगर आपके एस्टिमेटर गलत हो गए तो फिर आपका एस्टिमेट भी गलत हो जाएगा। तो कह रहा है जो आप एस्टिमेट लेते हो वो एस्टिमेट्स में क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, तो बड़े जनरल से फीचर उसने बताए हैं, अनबायस होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए, बिल्कुल सही। एस्टिमेटर याद रहेगा, एस्टिमेटर का मतलब है आपके पास जो सैंपल के बेस, सैंपल लिया आपने, बेसिकली सैंपल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो आपका सैंपल अनबायस्ड होना चाहिए, अनबायस्ड मतलब किसी चीज को फेवर करता हुआ सैंपल नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे आप ये रिजल्ट निकालना चाहते हो कि इलेक्शन में, यूनियन इलेक्शन होने वाले, उसमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाली है, ठीक है ना। अब आपने, अब जितने भी न्यूज चैनल वाले होते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि यार वो हर बंदे से जाके पूछा है कि किसको वोट मिलने वाला है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है, तो वो कुछ एक दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली के कुछ एक एरिया में जाएंगे, ऐसे बिहार में जाएंगे, कुछ एक एरिया में जाएंगे, यानी कुछ कुछ जगहों पर जाकर थोड़ा थोड़ा उठा के डेटा ले आएंगे, और उस डेटा से सैंपल जिसे कहते हैं, है ना, सैंपल के बेसिस पर वो आपको अपने न्यूज चैनल में दिखाना शुरू कर देंगे कि फलाना पार्टी जीतेगी, दिखाना पार्टी जीतेगी, और कई बार उनका ये जो एस्टिमेट्स होता है वो बिल्कुल ट्रू भी होता है। तो बहुत जरूरी होता है कि सैंपल अनबायस्ड होना चाहिए। अब मान लो कुछ चैनल्स हैं वो फेवर कर ले अगर किसी चीज को, कि भाई हमें चाहे कुछ भी सैंपल मिल रहा है हम तो ना दिखाएंगे कि यही पार्टी जीत रही है, यही पार्टी हार रही है, तो वो बायस्ड सैंपल हो गया, और बायस्ड सैंपल से जो रिजल्ट एस्टिमेट होगा वो गलत होगा। अब उन्होंने दिखा दिया ए पार्टी जीतेगी लेकिन जीत गई बी पार्टी, क्योंकि उन्होंने बायस्ड एस्टिमेटर लिए थे। तो सैंपल अगर गलत होगा तो
तो रिजल्ट भी गलत होगा। तो सबसे जरूरी क्या है, सैंपल अनबायस्ड होना चाहिए। एस्टिमेटर्स जो है, एस्टिमेटर मीन सैंपल है ना, सैंपल अनबायस्ड होना चाहिए, सैंपल एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट मतलब वो बहुत ज्यादा एरर ना दे रहा हो, मतलब उस सैंपल में बहुत ज्यादा गलतियां ना हो। अगर आपका सैंपल ऑलरेडी एरर से भरा हुआ होगा, उसमें ई पोर्शन बहुत ज्यादा होगा, तो आपका एस्टिमेट भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब है कि वो सैंपल जो होना चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं कोशिश करनी है कि वो पूरे पॉपुलेशन को जस्टिफाई कर रहा हो, है ना। मतलब अगर आप कहो कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम कोई भी ऐसा फ्रूट ले ले कि मान लो मैंने एक उसका सैंपल लिया, मान लो एप्पल ही ले लो, तो अगर मैंने एक एप्पल उठाया ग्रेडी से, जरूरी नहीं है कि सारे एप्पल बिल्कुल वैसे ही टेस्ट के होंगे जैसा वो एप्पल है। लेकिन कई बार हम अंगूर का गुच्छा उठाते हैं, तो उसमें से अगर दो तीन अंगूर का गुच्छा हम टेस्ट करें, तो बाकियों के लिए वो थोड़ा बहुत मोर और लेस कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता है कि हाँ वो पूरे गुच्छे पर वही एप्लीकेबल होगा। तो यही चीज है कि पूरे पॉपुलेशन पर वो सैंपल अप्लाई होता हो, कंसिस्टेंट हो, उस डेटा को जस्टिफाई करता हो। और लास्ट है कि आपके पास वो पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने में सफिशियंट होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ना तो सैंपल बहुत छोटा होना चाहिए, ना ही सैंपल बहुत बड़ा होना चाहिए, सैंपल सफिशियंट होना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ एस्टिमेटर। एस्टिमेटर कौन है? सैंपल को यहाँ पे एस्टिमेटर बोला गया और पॉपुलेशन को यहाँ पे एस्टिमेट बोला हुआ है, जिसको आपने जानना है। अगर आपको पूरे साल की सेल जाननी है तो वो पॉपुलेशन है, और एक मंथ की सेल या एक वीक की सेल जो आपके पास है, दैट इज व्हाट सैंपल ऑल अबाउट, राइट। अब है हमारे पास एमिली मेथड में या स्टोकेस्टिक जो प्रोसेस है उसमें यूज होने वाले टूल्स, यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेगा, है ना। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ी सी मैथ्स आ गई हमारे पास। तो बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि कौन से मॉडल में हम ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं और कौन से में ओएलएस मेथड यूज करते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक रिग्रेशन मॉडल है अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एर। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो मेथड होते हैं, ओएलएस मेथड और एमिली मेथड। अगर आपके पास ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये नोन हो, पता हो कि यार वाई किस एक्स पे डिपेंड करता है, तो हम ओएलएस मेथड यूज कर लेते हैं, और सैंपल साइज छोटा हो तो भी ओएलएस मेथड यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर ये एक्स आई बहुत सारे हो आपके पास, यानी वाई डिपेंड तो करता है एक्स पर, लेकिन ये जो एक्स है ना आपके पास, जो ये रेंडम वेरिएबल है, एक्स की जो वैल्यू है ये बहुत सारी है आपके पास। अब आपको ये अजम्पशन ली गई है कि जितना कोशिश करो ये एक्स कम से कम हो तो उतना अच्छा है, नहीं तो आपका जो ये फॉर्म हो जाएगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री, मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि सारे वेरिएबल ही उठा लो, तो ये फॉर्म उतनी मुश्किल हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच क्या करती है, यानी जो एमिली अप्रोच है वो ये कोशिश करती है कि जो आपके पास ये रेंडम वेरिएबल है एक्स आई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बहुत सारे हैं आपके पास, तो ये कोशिश करता है कि ये उसमें से वो वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले जो वाई को एस्टिमेट करने में ज्यादा मदद कर रहे हैं, ज्यादा मदद कर रहे हैं। यानी वाई को मैं ले लेती हूँ सेल्स एक एग्जाम्पल के तौर पर, और X1, X2 बहुत सारे फैक्टर है, क्वालिटी अच्छी है, कंपनी अच्छी क्वालिटी दे रही है, ठीक है, कंपनी सेल्स अच्छी, एडवर्टीजमेंट अच्छी कर रही है, बहुत सारे X1, X2 फैक्टर्स हैं आपके पास। अब एमिली मेथड क्या कहेगा, आप इस X1, X2, मान लो आपके पास ये जो फोरकास्टेड है X वैल्यूज हैं आपके पास, ये बहुत सारी है X1 से लेकर X10 तक है, तो एमिली मेथड ये कहता है कि आप इसमें से कुछ X की वैल्यूज लो, कुछ को रिजेक्ट कर दो, और उसको चूज करने के लिए यू शुड बी यूज प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए आपको समझाया गया। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज होता है, जनरली जहां पर आपका फाइनेंशियल मॉडल जो है वो कुछ ऐसे वेरिएबल से डील करता हो जो अनसर्टेन है। पहली बात तो ये X1, X2 बड़े अनप्रिडिक्टेबल हो जाए, जहां पर अगर सेल को सेल जो है वो X1, X2 पर डिपेंड करती है, और X1, X2 सर्टेन रहते हैं, फिक्स रहते हैं, हाँ यही रहेंगे, हमेशा यही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, तो चलो जी आप ओएलएस मेथड यूज कर लो। लेकिन अगर ऐसा है कि जो X1, X2 वेरिएबल है बहुत चेंज होते रहते हैं, बहुत ज्यादा चेंज होते रहते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपको एस्टीमेट करना है रिटर्न ऑफ स्टॉक, यानी शेयर में इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न है, ये एस्टीमेट करना है। अब यहां पर जो आपको एस्टीमेट करना है वो जिन चीजों पर डिपेंड करता है एक्स आई पर, वो ऐसी वैल्यूज है बच्चों जो बहुत ज्यादा अनसर्टेन हार्ड टू प्रिडिक्ट है, क्योंकि ये जो रिटर्न वाली चीजें बड़ी वोलेटाइल है, बहुत चेंज होते रहते हैं। इस ये जो जिस पे डिपेंड करता है ना, ये बहुत सारे गवर्नमेंट चेंज हो रही है, वो अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है, कंपनी जो अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है, कभी फॉरेन मार्केट के इन्वेस्टर्स आपकी मार्केट को गिरा रहे हैं, मतलब ये जो रिटर्न है ये जिन एक्स पे डिपेंड करता है वो एक्स बहुत अनसर्टेन है।
बहुत अनप्रडिक्टेबल है, बट आपको प्रिडिक्ट भी करना है और एक्यूरेसी भी चाहिए आपको हाई, तब हम इस्तेमाल करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी एमिली मेथड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इज इट ओके? एमिली मेथड इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इस्तेमाल किया. इसलिए इस्तेमाल करा कि हमें एस्टिमेट करना है सर, और जो हमारा एस्टिमेट डिपेंडेंट, जिस पर वो डिपेंड करता है ना, वो वेरिएबल बड़े अनसर्टेन है, बड़े अनप्रडिक्टेबल है, जबकि पास डेटा है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है पास डेटा में, बट वो बहुत अनप्रडिक्टेबल है, अनसर्टेन रहते हैं, और हमें प्रिडिक्ट भी एक्यूरेसी के साथ करना है, तब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रिटर्न ऑफ स्टॉक. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो अप्रोच यूज होती है, क्योंकि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों को ध्यान से समझना है. डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल हो गया जब आपके पास रैंडम वेरिएबल की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, जैसे डाई थ्रो करी या कॉइन टॉस करा तो हेड और टेल आ जाएगा, है ना, और अगर डाई थ्रो करी तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, उसे बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसके लिए हम आपको बाइनोमियल और पॉइजन समझाएंगे, बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. इसको हम हिस्टोग्राम की मदद से समझते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए. हिस्टोग्राम से हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें कौन से चीजों को, वेरिएबल को, एक्स को लेना चाहिए और कौन से एक्स को नहीं लेना चाहिए. बेसिकली आप यहीं पे चूज करने की कोशिश करो कौन से एक्स लेने हैं, कौन से एक्स नहीं लेना, ठीक है. तो एक अप्रोच है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम आपको बाइनोमियल और पॉइजन समझाएंगे. इसमें हिस्टोग्राम और आपके पास लाइन ग्राफ बनता है. फिर आता है कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें सर जो एक्स की वैल्यू है ना, वो रैंडम हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है. जैसे रिटर्न ऑफ स्टॉक क्या हो सकता है, एक रेंज हो सकती है, 10% से 12% की एक रेंज हो सकती है. तो इसमें हमारे पास कर्व का इस्तेमाल करेंगे हम लोग चीजों को चूज करने में, यानी एक्स को चूज करने के लिए कर्व्स का इस्तेमाल करेंगे. अब हमारे पास यही था कि हमें बेसिकली एक्स को ढूंढना है, वेरिएबल्स ढूंढने हैं, एक्स वेरिएबल ढूंढने हैं. फिर से मैं बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रिग्रेशन मॉडल है, राइट. अब इसमें हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज करने हैं. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज करने के दो चीजें होती है. एक तो जब आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सर्टन है, फिक्स, आपको पता है इन्हीं पर आपका वाई डिपेंड करता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर आपके ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल बड़े चेंज होते रहते हैं, बड़े अनसर्टेन से, तब आपको प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज करनी पड़ती है, और जो यहाँ पे सिखाई गई है. और उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिखाए थे, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस. डिस्क्रीट में क्या होता है, आपके पास हिस्टोग्राम की मदद से और लाइन ग्राफ की मदद से आप पता कर लोगे कि आपको कौन से एक्स लेने चाहिए, कौन से एक्स नहीं लेने चाहिए, और यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ चीजें होती है. जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपने एक डाई थ्रो करी, अब डाई थ्रो करने, दो डाई थ्रो करी, दो दो डाई थ्रो करने पर सम आता है आपके पास, ठीक है. तो मैं उसका सिर्फ हिस्टोग्राम बनाकर दिखा रही हूँ आपको, ठीक है ना. सम क्या क्या आ सकता है, सम 2 भी आ सकता है, सम 3 भी आ सकता है, सम 4 भी आ सकता है, सम ये भी आ सकता है. तो सम 2 आता है दो डाइज में, तो उसकी आउटकम क्या होते हैं, अगर आपको याद हो तो एक की आउटकम होता है 116, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/36, राइट. अब सम 3 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है पता है, 2/36, क्योंकि दो आउटकम होंगे, एक होगा 1,2 और एक होगा हमारे पास 2,1, जिसका सम 3 आएगा. फिर ऐसे ही 3 सम वाला के बाद आ जाएगा 4 वाला, उसका आपके पास आ जाएगा 3/36. फिर आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 4 सम, ये आ गया 5 सम, इसका आ जाएगा आपके पास 4/36. फिर आ जाएगा 6 का, 6 की प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास 5/36, 1/36, 2/36, 3/4/36, 5/6 के क्या क्या आउटकम हो सकते हैं 6 सम के अगर हम चेक करें, एक हो सकता है 1,5, एक हो सकता है हमारे पास 2,4, एक हो जाएगा हमारे पास 3,3, एक हो जाएगा 4,2, एक हो जाएगा 5,1, और एक हो जाएगा आपके पास, नहीं सॉरी, कितने आउटकम्स हो गए, 6 वाले में तो हो ही नहीं सकते, हाँ 5/36. फिर हमारा 7 सम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, फिर से कम होना शुरू हो जाती है, यानी ये हो जाएगा आपके पास 4/36. फिर आ जाएगी 8 की प्रोबेबिलिटी 3/36. फिर आ जाएगी आपके पास 9 की प्रोबेबिलिटी 2/36. लास्ट क्या होता है हमारे पास सम 6,6. एक मिनट. तो जैसे डाइस के अंदर सम होता है, तो या तो सम आपके पास 2 आ सकता है,
या सम 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, 6 मैक्सिमम 12 तक आ सकता है। तो यहाँ पर जो x है यानी जो रेंडम वेरिएबल है वो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है आपके पास, 2, 3, 4 ऐसे 12 तक हो सकता है, राइट। अगर आपको ये जानना है कि आपके पास 7 के पास कौन सा है, 7 के नियर कौन सा है, 7 के आसपास कौन सी चांसेस ज्यादा है, तो 6 और 5 या फिर 8 ये ज्यादा आसपास है 7 के रेंड, मतलब अगर 7 का एस्टीमेट है आपका रियल में, तो आपके पास कौन से रैंडम वेरिएबल 7 के ज्यादा आसपास पड़ेंगे, 6 और 8, और कौन सा रैंडम वेरिएबल 7 से ज्यादा दूर हो गया, 12। तो अगर मुझे रैंडम वेरिएबल चूज करने हैं, मेरा जो एस्टीमेट है वो 7 के आसपास है, तो मुझे कौन से रैंडम वेरिएबल चूज करने चाहिए जो 7 के आसपास हो हिस्टोग्राम में, यानी मुझे 8 लेना चाहिए, 6 लेना चाहिए, लेकिन 2 और 12 में नहीं जाना चाहिए। और अगर मेरा जो सर्वे है मतलब एस्टीमेट में 10 आया है, तो फिर मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए जो 10 के आसपास है, यानी मुझे 9 और 11 को लेना चाहिए रादर देन 2 और 3, वो उससे बहुत दूर चले जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर रैंडम वेरिएबल में से कौन से वेरिएबल आपको चूज करने हैं, कौन से नहीं चूज करने, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, आपके पास बार ग्राफ बनाकर या हिस्टोग्राम बनाकर उसकी मदद से चूज करता है कि कौन सा रैंडम वेरिएबल आपको चूज करना चाहिए। और इसके अंदर हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, अगर आपको पता हो जनरली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हमने न्यूमेरिकली भी इसे कर रखा है कि आपने मान लो एक डाई जो है वो 5 बार थ्रो करी, एक डाई जो है वो टोटल 5 बार आपने थ्रो करी, ठीक है ना। अब आपने ये बताना है कि उसके अंदर इवन नंबर आने के क्या चांसेस है, तो जितनी बार आपने थ्रो करा वो 5 हो गया, इवन नंबर के क्या चांसेस होंगे, 3/6 यानी हाफ हो गए, और क्यू यहाँ पर होता है फेलियर, उसके चांसेस भी कितने हो गए, हाफ हो गए, राइट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, सारे चांसेस बनाएगा, अगर एक भी सक्सेस ना आए तो क्या होगा, 2 सक्सेस आए तो क्या बनेगा, 3 सक्सेस पे, ऐसे पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता था हमारे पास, यानी x की वैल्यूज यहाँ पर आप लिखोगे, या तो हो सकता है एक बार भी आपका इवन नंबर नहीं आया, एक बार इवन नंबर आया, 2 बार इवन नंबर आया, 3 बार इवन नंबर आया, 4 बार इवन नंबर आया, और 5 बार, इन सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालना, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल कहेगा आप मुझे एग्जैक्टली ये बताओ कि मुझे 3 सक्सेस चाहिए, r इज इक्वल टू 3 सक्सेस चाहिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, NCR p की पावर r और q की पावर n माइनस r, हमने ये सब कुछ डिफाइन कर दिया, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, c क्या, r c कॉम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल होगा, r कितना है आपके पास जितना आपको सक्सेस चाहिए 3, p क्या है आपके पास 1/2 यानी सक्सेस 3 बार आई है, और फेलियर q बाकी के 2 बार आई होगी, तो आपको सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, इसी की वैल्यू जानेगा, और इस वैल्यू के आसपास जो हिस्टोग्राम या बार ग्राफ पड़ रहा होगा उसको वो कंसीडर कर लेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, उस एक्स को वो ले लेगा, उस एक्स की वैल्यू को वो ले लेगा, राइट। अब ये देखो एक्स की वैल्यू अभी 5 है, ठीक है ना, तो अगर मैंने 3 पे ये वैल्यू कैलकुलेट करी, इस वैल्यू की आ गई मान लो 2.75, अब इसके आसपास इनमें से कौन सी वैल्यू होगी उसको चूज करने को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्या यूज है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने एक ही काम करना है, एक्स चूज करने हैं सर, क्योंकि एक्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें एक एजम्पशन दे रखी है कि हमें अल्फा बीटा एक्स आई प्लस ई में जो ये एक्स लेने हैं कोशिश करने हैं कम लेने, तो एक्स बहुत सारे हो सकते हैं, ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी एक्स बहुत सारे थे, लेकिन आप वही चूज करोगे जो आपके एस्टिमेट के आसपास पड़ता है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऐसा ही होता है। तो बेसिकली अब ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ इस्तेमाल होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जनरली इंटरवल में इस्तेमाल होता है, एक इंटरवल ऑफ टाइम आपके पास फिक्स्ड वैल्यू ना होकर इंटरवल है जनरली ना, ये जैसे आप बात करोगे डिफेक्टिव बल्ब्स निकालने हैं, या आप क्रेडिट रिस्क में हो, कितने लोग आपका बैड डेट कर जाएंगे, थोड़ा नेगेटिव सा फिनोमिना होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। लेकिन इसमें पेरीमीटर चाहिए होता है, आपको मीन चाहिए होता है जो मेन होता है बस इसके अंदर, और कुछ नहीं चाहिए होता, बस मीन के अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जनरली कहाँ यूज होता है, जब आपके पास कोई चीज एन टाइम्स हुई है, एन टाइम्स मतलब आपने डाई को 7 बार थ्रो करा है या एक्सीडेंट इतनी बार हुआ है, उसके बेसिस पर रिजल्ट निकालना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप एक जगह पर जाते हो, आप एक वाइल्ड लाइफ मतलब सर्चर हो, और आप एक जगह पर जाते हो, वहां पर आपने देखा कि इस स्पेसिफिक बीच पर जनरली आपने देखा कि हर मंथ में 5 बेबी टर्टल बोर्न हो जाते हैं, 5 बेबी टर्टल बोर्न हो जाते हैं। अब ये जो आपने एक एवरेज एस्टिमेट करा है, ये एक सैंपल एस्टिमेट है,
तो उसको हमने मीन से शो करना है, ये सैंपल वाला होता है, और ये म्यू वाला कौन सा होता है, पॉपुलेशन वाला। अब आपने प्रिडिक्ट करना है कि आपके पास अगले एक साल में कितने जो है टोटल जो है वो बॉर्न कर सकते हैं उस बीच के अंदर। तो बेसिकली इन दैट केस वी यूज अ पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन, वी यूज एन इंटरवल। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि 5 से 6 टर्टल जो है वो बर्थ लेते हैं उस बीच पर। अब आपने जो पॉपुलेशन का जो एस्टिमेट लगाना है वो भी कैसा लगाना है आपने, एक इंटरवल के बीच पर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है कि 500 बल्ब में से आपको ये जानना है कि डिफेक्टिव बल्ब कितने, 500 बल्ब में से ये जानना है डिफेक्टिव बल्ब कितने। अब सर ये पॉसिबल नहीं है कि आप 500 बल्ब को चेक करके देखो कि कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा नहीं। तो आपने काम करा, इसमें से एक सैंपल उठा लिया 10 बल्ब का, है ना। अब इस 10 बल्ब पे आप चेक कर रहे हो कि इसमें कितने डिफेक्टिव बल्ब है। तो अगर मान लो कि इसमें से ऑन एन एवरेज आपके पास ऑन एन एवरेज यानी मीन 2 बल्ब डिफेक्टिव निकल गए आउट ऑफ 10, तो उसके बेसिस पे आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि 500 में से कितने बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है। तो वहां पे जनरली जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी आपको डिफेक्टिव निकालने से आर यहाँ पर जो भी चीज होगी, और इसका फॉर्मूला होगा ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन में आपके पास एक्स फैक्टोरियल, ठीक है ना। एक्स की जगह हमने यहाँ पे आर इस्तेमाल करा है तो आप आर इस्तेमाल कर लीजिएगा। और लैम्डा क्या होता है यहाँ पे, लैम्डा मीन होता है आपके पास, जो हमें सैंपल मीन लेना होता है, राइट। या फिर पॉपुलेशन मीन भी कह सकते हो, डायरेक्ट प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए हम जनरली कुछ इस तरीके का चार्ट बनाते हैं, नीचे देखिए। जैसे अगर आपको ये जानना है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, है ना, एक चार्ट बना हुआ है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट है, जीरो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.02, 1 एक्सीडेंट हुए हैं 0.04 ये। तो अब आपको 5 एक्सीडेंट्स प्रेडिक्ट करें, 6 एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, ये देखिए 0.16, ठीक है ना। तो ऐसे बेसिस पर अगर आपको प्रेडिक्शन करना है तो आप इस तरीके के चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो अब देखो, मान लेते हैं आपने एक्चुअल डेटा प्लॉट करा है प्रीवियस ईयर, है ना। अब इसी के बिहाफ पर आप फ्यूचर के लिए एस्टिमेट्स लगाओगे कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इन अ पर्टिकुलर ईयर। अब आपके पास बाइनोमियल और इसके बीच में डिफरेंस आ गया है आपके पास। तो बाइनोमियल में आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक एन पता होना चाहिए, एक पी पता होना चाहिए। क्यू तो निकल ही आता है, तो दो पैरामीटर होते हैं, होते दोनों डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जिनकी स्पेसिफिक एक्स की वैल्यूज होती है, ठीक है ना। और इसमें हमें सिर्फ लैम्डा चाहिए होता है। इसमें आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स्ड होते हैं, आपने 5 बार करा 6 बार करा। लेकिन अगर आपके अटेम्प्ट अनलिमिटेड अटेम्प्ट हो, तब आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होता है, जैसे कि एक्सीडेंट्स का कोई लिमिट नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कॉन्स्टेंट होती है, यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल होती है। इसलिए पी का इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पर, वेरी वेरी स्मॉल, जीरो के नियर, ठीक है। बाइनोमियल में दो चीज हो सकती है, या तो पी हो सकता है या क्यू हो सकता है, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। और यहाँ पर ना बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे मीन बड़ा होता है वेरियंस से, और यहाँ पे मीन और वेरियंस क्या होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिले, राइट। फिर आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का तीसरा टूल, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमने एक बहुत बड़ी अजम्पशन और पढ़ी थी कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेल शेप्ड, बेल शेप्ड को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं। कई पॉजिटिवली स्क्यूड होते हैं, कई नेगेटिवली स्क्यूड होते हैं, ये देखिए, ये जो मैंने बनाया ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, आपके पास जो ग्राफ है वो इस साइड भी उतना होना चाहिए और इस साइड भी उतना होना चाहिए। इन्हें सिमेट्रिक पार्ट में जो डिवीजन होती है उसे बेल शेप बोलते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और हमने एक अजम्पशन पढ़ी थी कि हमारा जो सैंपल होना चाहिए, हमारा सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। और ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड का एग्जाम्पल है, ये नेगेटिवली स्क्यूड है, इस तरफ ज्यादा आपके पास है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास डेटा कम हो गया, और यहाँ पर पॉजिटिवली स्क्यूड है, यहाँ पर डेटा ज्यादा हो गया है कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर डेटा का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो जनरली ये माना जाता है कि आपका जो सैंपल होना चाहिए, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, आपका जो डेटा होना चाहिए, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नॉर्मली जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ही आपकी प्रेडिक्शन बढ़िया होगी। तो यहाँ पर ऐसे 3 डायग्राम से हम इसे समझा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, अगर आपका ये वाला डायग्राम बनता है तो इसका, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपका मीन है ना, जो आप सैंपल ले रहे हो, आपका जो सैंपल है वो 68% जो है
वो आपके डेटा से मैच कर रहा है। 68% जो आपका मीन है, आपका 68% मीन जो है वो आपके प्रिडिक्शन में मदद करेगा। हाँ, 16% नेगेटिव, 16% पॉजिटिव हो सकता है कि आपका रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकता है, यानी ये वेरिएशंस आ गए, यानी ये एरर्स आ गए, ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो 96.5% एरिया जो है वो आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी आपका जो एक्चुअल डेटा है वो आपका प्रिडिक्टेड डेटा के 96.5% के आसपास है, तो आपकी प्रिडिक्शन और बढ़िया हो गई, ठीक है। और आप में एरर के चांसेस या तो -2.25% आपकी प्रिडिक्शन नीचे जा सकती है या फिर ऊपर जा सकती है। का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको प्रिडिक्शन किया कि मेरी सेल जो है वो 2 लाख रुपए की हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला जो ग्राफ दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि 68% चांसेस है कि आपकी बात सच हो जाएगी, जो आप मीन बता रहे हो, एक एवरेज बता रहे हो, और 16% चांसेस है कि इससे कम हो जाए, 16% चांसेस से ज्यादा भी हो सकती है। सिमिलरली 96.5% का क्या मतलब हुआ कि 96.95% एरिया आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका डेटा यहाँ पड़ रहा है, इसका मतलब आपका एक्चुअल डेटा सारा यहाँ पर था। तो एक्चुअल डेटा अगर यहाँ पर है तो आपकी प्रिडिक्शन उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, वेरिएशन के चांसेस उतने ही कम हो गए 2.25%। और अगर आपका सैंपल का डेटा यहाँ आ रहा है तो 99.7% आपके चांसेस रहेंगे, अगर आपका एक्स जो आपके वेरिएबल है, जो एक्स प्लॉट करा होगा आपने, अगर वो यहाँ आ गए एक्चुअल डेटा आपका, इसका मतलब ये होगा कि आपका 99.7% डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, तो आपकी प्रिडिक्शन उतनी स्ट्रांग होगी। और एरर के जो चांसेस है वो या तो 0.15% नेगेटिव में जा सकता है, 0.15% पॉजिटिव में जा सकता है। अब आ जाता है हमारे पास इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन, जिसका काम ही क्या है, मैक्सिमम जहां पर आपका एस्टिमेशन लाई कर सकता है वो वाले पॉइंट्स को चूज करना। यहाँ पर हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक वही एग्जांपल ले लेते हैं कि 500 बल्ब हैं और हमें ये जानना है कि इन 500 बल्ब में कितना डिफेक्टिव हो सकता है। तो 500 बल्ब यहाँ पे पॉपुलेशन हो गया, ठीक है ना, और हमने इसमें से अभी सैंपल ले लिया है 10 का, ठीक है, कि 10 में से कितने डिफेक्टिव है। तो हो सकता है डिफेक्टिव निकला हो, सॉरी पहला वाला नॉन डिफेक्टिव निकला हो तो सक्सेस मिल गई हो आपको, फिर आपका नॉन डिफेक्टिव निकला हो, सक्सेस मिल गई हो आपको, फिर आपको डिफेक्टिव मिल गया हो, फिर आपको डिफेक्टिव मिल गया हो, फिर आपको नॉन डिफेक्टिव मिला हो, तो 10 में से ऐसा हुआ कि 6 आपको नॉन डिफेक्टिव मिल गए और 4 आपको डिफेक्टिव मिल गए। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर हमने सैंपल का एक ये रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है ना। अब इस रिजल्ट की मदद से हमें ये जानना है कि 500 में से कितने जो है वो आउटकम जो है वो डिफेक्टिव हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इसको हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन शो करेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे ये हमने प्लॉट कर लिए। मान लेते हैं हमने 15 बल्ब लिए थे एक एग्जांपल के तौर पे, इसी डायग्राम को आप 1, 2, 3 में भी ले सकते हो, तो यही चीज आप 1, 2, 3 में भी ले सकते हो, 1, 2, 3 से लेकर 10 तक मान लिया, ठीक है। अब आपने ये प्लॉट करा कि डिफेक्टिव के चांसेस क्या है, ये आपके ओरिजिनल डेटा आपने प्लॉट कर दिया, ये ओरिजिनल डेटा आपने प्लॉट कर दिया। या यहाँ पर एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं गर्ल्स की हाइट और यहाँ ले लेते हैं लो हाइट, इस तरफ अगर आएंगे तो लो हाइट और यहाँ पर आ रही है तो हाइट जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना। अब ये डेटा आपने एक्चुअल डेटा प्रिडिक्ट करा 10 गर्ल्स का, कि 10 गर्ल्स की हाइट क्या थी, उसे प्लॉट कर दिया आपने एक्चुअली, ठीक है ना। अब मैक्सिमम लाइकलीहुड क्या करता है, मैक्सिमम लाइकलीहुड इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अप्लाई करेगा, ये देखिए, जैसे आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, वो ऐसा भी हो सकता है थोड़ा स्किनी सा, और वो ऐसे फैला हुआ भी हो सकता है, और थिकर भी हो सकता है। लेना हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना, हमने पॉजिटिवली स्क्यूड लेना है ना नेगेटिवली स्क्यूड लेना है। तो इसमें क्या किया, इसने 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे। जैसे मैंने अभी बल्ब वाले पर एक एक्सपेरिमेंट किया था 10 सैंपल का, आप 20 सैंपल लेकर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, आप 15 सैंपल लेकर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, राइट। तो सिमिलरली आपने एक्सपेरिमेंट करा और 4 एक्सपेरिमेंट आपके पास F1 F2 F3 F4 और आपने वो प्लॉट कर दिए, ये देखिए पिंक से, रेड से, ब्लू से, ग्रीन से। अब आपने ये देखना है जो ये डॉट्स हैं वो ज्यादा कौन से वाले को कवर कर रही है, ये सारी डॉट जिसमें कवर होती हो वो कौन सा वाला आपके पास एक्सपेरिमेंट है, इज इट F1 F2 F3 F4। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ये मैक्सिममली किसमें कवर हो रहा है,
वही आपका मैक्सिमम लाइकलीहुड इफेक्ट देता है, यानी आप उस वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चूज कर लोगे, राइट। तो यहाँ पर कौन सा वाला आपको सबसे ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन दे रहा है, तो क्या चूज करेंगे आप लोग? अगर आप देखेंगे तो येलो वाला जो है आपके पास, या फिर ग्रीन वाला आपके पास सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, कौन सा वाला आपका सबसे ज्यादा कर रहा है आउट ऑफ द फोर? तो अगर हम ध्यान से देखें कि मान लो हमने चार एक्सपेरिमेंट्स करे और चार एक्सपेरिमेंट्स को हमने ये बेल शेप में प्लॉट करा, फर्स्ट वन, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड, फोर्थ, चार एक्सपेरिमेंट करे, 10 बल्ब निकाल के देखे, 15 बल्ब निकाल के देखे, 20 वाला निकाल के देख लिया, 25 वाला निकाल के, वो प्लॉट किया हमने। अब प्लॉट करने पर आपके पास चार नॉर्मल कर्व है, चारों की चारों नॉर्मल कर्व है, क्योंकि नॉर्मल कर्व की शेप इनमें से कुछ भी हो सकती है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो ब्लू वाला है आपके पास F1, जो ब्लू वाला है F1, उसमें आपके पास ये जो सारे एक्चुअल पॉइंट्स हैं ये सारे बड़े आराम से कवर हो गए। येलो वाले में कुछ ज्यादा दूर चले गए, पिंक वाले में कुछ छूट गए आपके पास, ग्रीन वाला इधर नेगेटिवली स्क्यूड हो गया आपके पास ज्यादा ही, ठीक है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है, मतलब आधे आधे इक्वली अगर आप देखोगे तो इस ब्लू वाले में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड माने जाएंगे, राइट। तो मैक्सिममली जो मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड है वो यही करता है कि उसमें से जो मैक्सिमम जिसके आसपास एक्स, मतलब हमें क्या करना है, हमें एक्स चूज करने हैं ना, तो हमें एक्स वो चूज करने हैं जो आपके नॉर्मल कर्व के अंदर बिल्कुल नजदीक हो। तो जैसे 10 के आसपास कौन हो सकता है, 9 और 11, तो ये इसे चूज कर लेगा, राइट। और अब हमें ये बताना है कि ओएलएस मेथड और एमई में, या जो भी हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड करा, उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि ओएलएस मेथड जो होता है वो स्मॉल सैंपल पर अप्लाई होता है, जबकि जो एमएलई मेथड है वो लार्ज सैंपल पर अप्लाई होता है। दूसरी खास बात ये भी हो सकती है कि जो ओएलएस मेथड है उसमें जो एक्स होता है, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, खास तौर पे आप कह सकते हो सर्टन होता है, लेकिन एमिली मेथड जनरली वहां इस्तेमाल होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ती है इस एक्स को चूज करने के लिए। जो एक्स हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये बहुत सारे हैं, अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन है ना, तो उनको चूज करने के लिए आपको मेथड का यूज करना पड़ता है वहाँ एमिली मेथड। आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आए हो, अगर आपको हमारे वीडियोस को लगे तो इन्हें शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग बुक क्लासेस।